नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, बालों का झड़ना पुरुषों के लिए उतना ही दिल दुखाने और परेशान करने वाली चीज़ है जितना कि महिलाओं के लिए। इस दुनिया में कोई भी नहीं चाहता कि उसका लुक खराब हो और वह भद्दा दिखे। दोस्तों, आपको लुक को बनाए रखने में आपके लिए बाल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि कोई भी महिला हो या फिर पुरुष अपने बालों को खोना नहीं चाहता। दोस्तों, बाल हमारे शरीर का मुकुट की तरह होते हैं। हालांकि तनाव, खराब खान पान, बालों की सही देखभाल न करना, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से बालों के बहुत ज़्यादा टूटने की समस्या हमें देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, इन सभी परेशानियों में एक परेशानी और भी होती है जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, और वो होता है खराब खान पान। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हम रेगुलर खाते रहते हैं जो हमारी बालों की ग्रोथ के लिए सही नहीं होती है, और उनको निरंतर खाते रहने की वजह से बाल धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा टूटने लगते हैं और गंजेपन जैसी समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको खाने की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जो कि बालों की ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया होती है, और जिनको अगर आप अपने डाइट में शामिल करते हैं तो यह आपके टूटे हुए बालों के इलाज के रूप में वर्क करेंगे और आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपका बिना कोई वक्त गवाए बताते हैं वो चीज़ें कौन कौन सी हैं जिसको खाने से आपके झड़ते हुए बालों की समस्या से आप दूर रह सकते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पर आते हैं अंडे। जी हाँ, अंडे प्रोटीन और बायोटीन का एक बड़ा सोर्स है। ये दोनों पोषक तत्व आपके बालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन बालों के रोम को जड़ से मजबूत करता है, जबकि बायोटीन केरोटीन का उत्पादन करता है जो बालों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक बाल प्रोटीन माना जाता है। आमतौर पर इन पोषक तत्वों की कमी से बालों की समस्या होती है, इसलिए रोजाना एक या दो अंडे आपको जरूर खाने चाहिए अगर आप बालों की बहुत ज़्यादा झड़ने की समस्या से जूझ रहे हैं। तो बात करते हैं दूसरी चीज़ की, जो कि है सैल्मन फिश। दोस्तों, सैल्मन एक वसायुक्त मछली है जो प्रोटीन और विटामिन डी के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड से भी भरपूर होती है। ये सभी बालों के अनुकूल पोषक तत्व हैं और बालों की हेल्थ को बेहतर बनाने में हेल्पफुल होती है। दोस्तों, सैल्मन फिश खाने से बालों के विकास को बढ़ावा मिलता है। अगर आप शाकाहारी हैं तो आप इन पोषक तत्वों से भरपूर किसी अन्य भोजन के विकल्प को चुन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बेहतर परिणाम के लिए इससे जुड़े अधिकतम आइटम खाने का प्रयास करना चाहिए आपको। बात करते हैं तीसरी चीज़ की, जो कि है गाजर। जी हाँ दोस्तों, गाजर सिर्फ आंखों की रोशनी या इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ही नहीं, बल्कि बालों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन होती है। दोस्तों, गाजर में बीटा कैरोटीन होता है जो बालों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। यह आपके बालों के रोम की ताकत को बढ़ाकर बालों की झड़ने, बालों की पुनरावृत्ति आदि को रोकने में मदद करता है। दोस्तों, गाजर में विटामिन ए, सी और बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जो सभी तत्व बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। बात करते हैं अगली चीज़ की, जो कि है पालक। दोस्तों, हरी पत्तेदार सब्जियां आमतौर पर स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। पालक से खाने से लेकर बालों में लगाने तक काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। पालक एक सुपर फूड है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन बी, सी, ई, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन सहित बहुत जरूरी पोषक तत्व इसमें मौजूद होते हैं, जिनकी एक लंबी सूची है। दोस्तों, आप चाहें तो पालक को सलाद के रूप में खा सकते हैं, या फिर इसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं, या पालक पनीर के रूप में खा सकते हैं। किसी भी तरीके से इसका सेवन जरूर करें, क्योंकि यह आपके बालों की ग्रोथ को बूस्ट करता है, जिससे बालों के झड़ने जैसी समस्या आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगी और धीरे धीरे करके ये समस्या खत्म हो जाएगी। अगली चीज़ है दोस्तों, नट्स और बीज। जी हाँ दोस्तों, आप अपने झड़ते बालों की समस्या को रोकने के लिए कुछ नट्स और बीजों का सेवन भी कर सकते हैं। दोस्तों, नट्स और बीजों का सेवन करना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यह बालों के विकास को भी बढ़ावा देते हैं। बालों के लिए आप विशेष रूप से अखरोट और अलसी के बीज और सूरजमुखी के बीज का इस्तेमाल जरूर करें। ये बीज एलोपेसिया के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। दोस्तों, एक शोध में पता चला है कि इन चीज़ों का सेवन करने से आपके बालों की रुकी हुई ग्रोथ को वापस से डेवलप होने में मदद मिलती है, और आपकी बालों की ग्रोथ तेज़ी के साथ इंक्रीज होती है, जिससे बालों के झड़ने जैसी समस्या से आप निजात पा सकते हैं।
तो दोस्तों ये थे वो वाले फूड जो कि आपकी बालों के झड़ने वाली समस्या को रोकेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा आपके बाल झड़ रहे हैं तो इन चीज़ों को आपको ज़रूर अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की एक और विशेष जानकारी आप सभी लोगों के लिए, जो होती है यहीं समाप्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। धन्यवाद दोस्तों।